आइए अब आपको देते हैं USBRL प्रोजेक्ट की कंप्लीट जानकारी। इसके पहले मैंने छोटे छोटे वीडियोस कुछ डाले थे, लेकिन उसमें कई सारे कमेंट आए कि हम लोगों को ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो चलिए हाजिर है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को चार भागों में बांटा जा सकता है। उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंड और काजीगुंड से बारामूला। तो ये पहले भी बता चुके हैं कि तीन सेक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें गाड़ियां चल रही हैं। अभी जहां पर बेसिकली काम चल रहा है वो कटरा से लेकर बनिहाल। इस सेक्शन की लंबाई करीब 111 किलोमीटर है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्शन है और पूरा का पूरा टनल्स ब्रिजेस इन्हीं से भरा हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ये जो ब्लू अप डायग्राम है ये कटरा से बनिहाल सेक्शन का है और इसकी लेंथ 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर में 80% लेंथ है वो टनल है, 10% ब्रिजेज या वायडक्ट हैं और 10% लेंथ जो है वो अदर कैटेगरी में आता है। इस पूरे सेक्शन में आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी रेड कलर से मार्क है वो वही पोर्शन है जहाँ पे वर्क इनकम्प्लीट है, जहाँ पे काम चल रहा है। बेसिकली इसमें तो केवल दिखाया गया है, जो लोकेशन है वो टनल्स की दिखाई गई है, इन्हीं टनल के बीच में जो ब्रिजेस हैं वो भी इनकम्प्लीट हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। टनल जो इनकम्प्लीट हैं और जिन पे अभी काम चल रहा है बेसिकली वो हैं टनल T1, T13, टनल 14, टनल 49 और टनल 77D। इन सभी टनलों में जो सबसे ज़्यादा परेशानी इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ी वो टनल T1 थी। इसमें क्या हुआ कि जिस जगह पे इसकी लोकेशन है उस जगह पे वाटर का एक बॉडी थी, एक एक्वीफर था जो इस टनल के रास्ते से होकर गुजरता था और उस जगह पे जब टनल खोदी गई तो वहाँ पर लगातार पानी बह रहा था और वो एक्वीफर का जो रास्ता था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो टनल बनने से उसका रास्ता टनल के ऊपर से होके जाने लगा और जिसके वजह से काफ़ी परेशानी हुई। हिमालयन जो पहाड़ है वो नए पहाड़ हैं कंपैरेटिवली और अनस्टेबल पहाड़ हैं, तो इसके अंदर टनल खोदना बहुत ही मुश्किल का काम है क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक है और वहाँ पर जब टनल खोदते हैं तो अंदर का पूरा स्ट्रेटा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी वर्ल्ड की जो सबसे सुरक्षित और इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है टनल ड्रिलिंग की वह है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, लेकिन ये चीज़ जहाँ पे स्टेबल रॉक है वहाँ के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है, जबकि अपनी जो हिमालयन रॉक है ये कंपेटिवली न्यू है फॉर्मेशन और इसमें सॉफ्ट रॉक है। ख़ास तौर से जहाँ पर हमारी कटरा और बनिहाल सेक्शन में है ये डोलोमाइटिक रॉक है और ये स्टेटा काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट फिशर वगैरह हैं जिससे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है और इसके लिए हमारे रेलवे के इंजीनियर्स ने नया मेथोलॉजी डेवलप की है, वो है न्यू हिमालयन टनल टेक्नोलॉजी। तो जो इस्टेब्लिश अदरवाइज मेथड है वो डी शेप का टनल रहता है, जबकि न्यू हिमालयन टनल टेक्नोलॉजी में हॉर्सशू टाइप का टनल इन्होंने डेवलप किया है जो कि सॉफ्ट रॉक में ज़्यादा स्टेबल है और इसमें कम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक टनलिंग वर्क में बचे हुए काम की बात है तो करीब चार टनल में छोटे छोटे काम बचे हुए हैं और टोटल लेंथ चारों टनल का मिला के 100 मीटर से भी कम काम बचा हुआ है जो कि 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आइए टनल के बाद बात करते हैं रेल ट्रैक बिछाने की। तो नॉर्मल वे में जो ट्रैक बिछाया जाता है वो बैलास्ट के ऊपर यानी गिट्टी के ऊपर बिछाया जाता है। लास्ट वाले ट्रैक पर रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसको रेगुलर इंटरवल पे इसकी लाइनिंग लेवलिंग करनी पड़ती है और उसकी बैलास्ट की क्लीनिंग करनी पड़ती है, जबकि टनल में इतनी बड़ी मशीनें नहीं आ सकती हैं। तो टनल बहुत डेलिकेट जगह है, यहाँ पर उन पैकिंग से बचाने के लिए यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक यानी कॉन्क्रीट का सरफेस से तैयार किया जाता है और उसमें परमानेंट लेवलिंग लाइनिंग बनाकर और उसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाता है। हालांकि ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, लेकिन चूंकि बार बार मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता इसलिए बैलास्टलेस ट्रैक यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो टोटल 111 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है कटरा से बनिहाल तक का,
और एक 112 में जो टोटल ट्रैक बिछाया जा रहा है बैलास्टलेस, उसकी लेंथ है 120 किलोमीटर। उन 120 किलोमीटर में से करीब 75 किलोमीटर का बैलास्टलेस ट्रैक बिछाया जा चुका है और लगभग 45 किलोमीटर का काम और बचा हुआ है। आइए अब कटरा बनिहाल सेक्शन में आपको स्टेशनों की जानकारी देते हैं। स्टार्ट करते हैं कटरा की तरफ, तो पहला स्टेशन है रियासी, उसके बाद बक्कल, फिर डग्गा, उसके बाद सावलकोट, संगलदान, छठा है सुंबर और उसके बाद है खारी। आइए इन सातों स्टेशनों को आपकी लेटेस्ट अपडेट देते हैं। इन सात स्टेशन में से 6 में काम कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। सातवां स्टेशन जिसमें कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो है सावलकोट, इसमें 80% काम खत्म हो चुका है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया है, केवल फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है। ये है रियासी स्टेशन, पूरी तरह बन के तैयार हो गया, इसमें कुछ फंक्शन भी हो रहा है जो हम देख रहे हैं। उसके बाद ये है बक्कल स्टेशन, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है लेकिन उसके सामने का ट्रैक बिछाया जा रहा है, अर्थवर्क किया जा रहा है। और इसके बाद में है ये डग्गा स्टेशन, ये भी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और बिल्डिंग के सामने रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी हो रही है और वहाँ पर कुछ स्लीपर भी हम रखे हुए देख पा रहे हैं। स्टेशन के बाद सावलकोट है, उसके बाद में संगलदान है। संगलदान स्टेशन हम देख पा रहे हैं ये भी पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो गया है और उसके सामने प्लेटफॉर्म एरिया और रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद में है सुंबर स्टेशन, ये भी पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और इसके सामने भी रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी हो रही है। सबसे बाद का स्टेशन बनिहाल के पहले है खारी स्टेशन, ये स्टेशन बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गई है, इसके सामने का रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी हो रही है। और लास्ट स्टेशन जिसमें ज़्यादा काम बचा हुआ है ये है सावलकोट, इस बिल्डिंग में हम देख रहे हैं कि इसमें अभी तक केवल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, फिनिशिंग बचा हुआ है। और स्टेशन के सामने किसी ब्रिज के गर्डर की कास्टिंग या गर्डर की फैब्रिकेशन चल रहा है। आइए ब्रिजेस का अपडेट देखते हैं। इस सेक्शन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज हैं, एक है अंजी ब्रिज और दूसरा है चिनाव ब्रिज, ये दोनों ही बन के तैयार हो गए हैं और इनके आसपास के ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज नंबर 2 एक कंक्रीट ब्रिज है जो कि कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर की दिखाई दे रहा है 2 ट्रैक, इसको बिछाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज नंबर 58 डग्गा यार्ड में है, बन चुका है, और ब्रिज नंबर 59 भी डग्गा यार्ड में है, कंक्रीट ब्रिज है, बन चुका है, इसके पे ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज नंबर 60 जो कि टनल 13 और 14 के बीच में है, इसके पियर बन के कम्प्लीट हो गए हैं और इसके टॉप गर्डर जो कि कंपोजिट गर्डर है उसका काम प्रगति पे है, जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रिज नंबर 61 इसके पियर कम्प्लीट हो गए हैं और कंपोजिट गर्डर हम देख रहे हैं कि 60% से ज़्यादा बन चुका है और साथ ही साथ इस पर बैलास्टलेस ट्रैक का भी काम चल रहा है। और ये है ब्रिज नंबर 88 जो कि टनल 46 और 47 के बीच में है, जैसे ही गाड़ी 46 से निकलेगी इस ब्रिज से होते हुए टनल 47 में चली जाएगी, इस ब्रिज का भी काम कंप्लीट हो गया है और इसके ऊपर बैलास्टलेस ट्रैक का काम चल रहा है। उसी तरह से टनल के साथ में स्केप टनल होती है, तो उन स्केप टनल में 4 टनल में भी काम चल रहा है और जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि अभी तक करीब 80-90% काम पूरा हो चुका है और जनवरी फरवरी तक ये प्रोजेक्ट का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और प्रोजेक्ट चल निकलेगा। जिस जगह पर टनल बन चुकी है वहाँ पर टनल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क चल रहा है, जैसे कि उसमें बिजली का काम लगाया जा रहा है, चल रहा है, वहाँ पर सिग्नलिंग का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। तो सबसे पहले तवज्जो तो ये दिया जाएगा कि इस पूरे सेक्शन में ट्रेनों का ट्रैक बिछ जाए और उसी के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी हो जाएगी और बिजली से गाड़ियाँ चलेंगी।